दोनों पार्षदों पर कार्रवाई की गई है। दूसरे दिन सभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने बीजेपी पार्षद मनोज प्रजापति और कांग्रेस पार्षद एजाज डेवर को सदन में अनुचित आचरण करने पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है। महापौर प्रमोद दुबे समेत अब तक कोई भी कांग्रेसी पार्षद सदन में उपस्थित नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार को सदन में हंगामे की वजह से सभा को स्थगित कर दिया गया था। वो तय नहीं कर पा रहे थे संवैधानिक तौर पर कि उनको करना क्या है। कल 5 बजे तक के हमने इंतजार किया, 5 बजे के बाद हमने उनको प्रॉपर नोट शीट लिखकर भेजी। 5 बजे के पहले वो कुछ निश्चय न करवा पा रहे थे, न खुद तय कर पा रहे थे कि उनको क्या करना है। आज प्रातः 10 बजे फिर से बैठक हुई, तो 10 बजे बैठक के बाद बिना सोचे समझे निलंबित कर दिया दो सम्मानित पार्षदों को, एजाज जेबर को निलंबित कर दिया या मनोज प्रजापति को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई तो कल हो जानी थी 5 बजे के पहले। एक भी ऐसा नहीं है कि मैंने दलगत राजनीति के आधार से प्रस्ताव पास किया। सभापति जो होता है वो निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करता है और मैं पहले भी सभापति के रूप में निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई किया है और 4.5 सालों तक लगातार इस नगर निगम का संचालन करते रहा हूं सभापति के रूप में। पर आज ऐसा क्या हो गया माननीय महापौर जी, जब से लोकसभा का चुनाव हार गए, जनता का जनादेश उन्होंने ऐसा लगता है कि खो दिया है और उसी का चीज आज उस नगर निगम में निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निंदनीय है। वही